आपको बुक्स भी बहुत सारी मिलेंगी, पूरी हिस्ट्री की बुक्स मिलेंगी, जिसमें रेसिपीज़ वगैरह खाने की बुक्स मिलेंगी, जर्मन लॉ के बारे में। ये देखें, डबल डबल बेड, बॉक्स बेड है 200 यूरो का। ये सोफ़ा हो गया 30 यूरो की। ये चेयर हो गई, सोफ़ा चेयर टाइप का। एटी यूरो सेट हो गया ये। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ एक्स फोटो। एक्स फोटो एक इदारा है जो एनजीओस का इदारा है, जिसमें डियाकोनी, रॉड क्रॉस वगैरह, जर्मन के बहुत सारे एनजीओस काम कर रहे हैं। इसमें ये होता है कि ये लोगों को जिनकी सैलरी कम होती है, जिनको जर्मन गवर्नमेंट से कम पैसे मिलते हैं, तो उनके लिए ये इदारा बनाया गया। यहाँ पर आपको सोफ़ा वगैरह हर चीज़, घर की हर चीज़ आपको, मतलब 70% आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट से बेनिफिट ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में दी जाती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का इदारा है जिसे कहते हैं एक्स फोटो। तो यहाँ पर आपको हर चीज़ें मिलेंगी। तो मैं आज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कौन कौन सी घर की चीज़ें मिलती हैं। और बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं कि अगर आपके पास गवर्नमेंट से बेनिफिट ले रहे हैं तो उसका जो आपके पास एक प्रूफ होगा, वो प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा कि आप बेनिफिट ले रहे हैं। आप ये मतलब कि आप एक्सपेंसिव है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर वो आप लोगों को डिस्काउंट में हर चीज़ें मिलेंगी। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें, घर के सारे सामान है, बेड वगैरह, किचन के सारे जो सामान आपकी जो रूटीन के और जो लाइफ की जो बारे में जो घर में इस्तेमाल होती हैं, वो सारी चीज़ें, बच्चों की और बहुत सारे गेम्स हैं, हर चीज़ मौजूद है। तो चलें मैं आज आप लोगों को दिखाता हूँ तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आपको मिल सकती हैं अगर आप गवर्नमेंट से बेनिफिट ले रहे हैं। अगर गवर्नमेंट से बेनिफिट भी नहीं ले रहे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट में हर चीज़ें मिलेंगी। चलें चलते हैं, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली। एंट्रेंस, ये कप वगैरह देख रहे हैं आप, ये सारी चीजें। ग्लास वगैरह, ये लैंप वगैरह मिल रही है यहाँ पर, सब चीजें। देख रहे हैं अलमारियाँ वगैरह, ये देख अलमारी 100 यूरो में मिल रही है। ओरिजिनल कीमत बहुत ही ज़्यादा है, ये प्योर लकड़ियाँ हैं और ये डिज़ाइन बहुत ही पुराना डिज़ाइन है। तो आपको बुक्स भी बहुत सारी मिलेंगी, पूरी हिस्ट्री की बुक्स मिलेंगी, जिसमें रेसिपीज़ वगैरह खाने की बुक्स मिलेंगी, जर्मन लॉ के बारे में और स्टडीज़ की हैं जो यूनिवर्सिटी में आपको चाहिए होंगी, वो सारी बुक्स वगैरह यहाँ पे मिलती हैं, जो भी आप बुक्स लेना चाहें। बहुत सारे शेल्फ बने हुए हैं,
और बहुत सारी ज़बानों की यहाँ पे हिस्ट्री की बुक है, और यहाँ पे कल्चर, बहुत सारी यहाँ पे सारी लिखी हुई है। आपको किचन का सामान, दराज वगैरह, बच्चों के सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आपको किचन पूरा मिलेगा जो मार्केट में जिसकी कीमत 1500 से 3000 तक है। यहाँ पे आपको 400 रुपये में मिल रहा है, जिसमें हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, डिश वॉश है, अपना ओवन वगैरह है, सब इसमें इंक्लूडेड है 400 यूरो में। बहुत ही खूबसूरत किचन है। पे आपको बेड में मिलेंगे सारे बेड वगैरह, और ये डबल बेड भी मिलेगा। ये सारे बेड आपको मिलेंगे यहाँ पे सस्ते। अगर मार्केट में जाते हैं तो इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है, मगर यहाँ पर आपको बहुत ही सस्ते मिलेंगे। ये देखें अलमारी, कितनी खूबसूरत अलमारी है। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, आप लोग हंसी की आवाज़ भी आ रही होगी। ये देखें 60 यूरो में। ये देखें शीशे की अलमारी, ये ग्लास वगैरह सारे। आपको मुख्तलिफ किस्म के ग्लास नजर आएंगे। केबल्स वगैरह, हर किस्म की केबल्स, हर किस्म की केबल्स और स्पीकर वगैरह भी पड़े हुए हैं। और ये घड़ियाँ, ये देखिए घड़ियाँ 60 यूरो की। ये जर्मन के ओल्ड ग्लास और सो डिज़ाइन, बहुत ही अलग किस्म की डिज़ाइन की प्लेटें, शीशे की प्लेटें, ग्लास, ये सारा शीशे का सामान। यहाँ पे रंग बिरंगी ग्लास वगैरह, ये कॉफ़ी मशीनें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ये किचन का सामान वगैरह, और ये फ्रीज़र भी है। किचन का सारा सामान पड़ा हुआ है आपको। यहाँ पे देखें हर चीज़ पड़ी हुई है किचन की जो आपको ज़रूरत है, चमचे वगैरह। देखें सारा, ये किचन का पूरा सामान, बॉक्स वगैरह। इसकी कीमत तकरीबन, ये बिक गया
और ये देखिए प्लेटें वगैरह आपको मिलेंगी यहाँ पर, ग्लास वगैरह, ये जग वगैरह सब आपको मिलेंगे यहाँ पर। यहाँ पे आपको बच्चों के कपड़े मिलेंगे सेकेंड हैंड मगर क्वालिटी वाले। मतलब टॉम टेलर के हो गए और बहुत सारी जो ज़बरदस्त कंपनीज हैं उनके बारे, उनके जो कपड़े हैं उनके डिज़ाइन के कपड़े आपको यहाँ पर मिलेंगे सब सेकेंड हैंड। विंटर और समर के कलेक्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। शूज़ वगैरह आपको यहाँ पर मिलेंगे, शूज़ भी आप ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि शूज़ वगैरह यहाँ पर विंटर के, विंटर कलेक्शन भी है यहाँ पर। यहाँ पे आपको समर और विंटर कलेक्शन हमेशा मिलेंगे एनी टाइम। इस लिस्ट है प्राइस लिस्ट है, प्राइस लिस्ट कलेक्शन है यहाँ पे मर्दों के जूते वगैरह, और आपको टी शर्ट जीन्स वगैरह अपर जंपर सब यहाँ पे मिलेंगे। यह है जेंट्स कलेक्शन, जैसा आप लुंडा बाजार से लेते हैं वो लुंडा बाजार, ये लुंडा बाजार सेम ही लुंडा बाजार है। ये विंटर के जैकेट्स वगैरह थ्री पीस कोट हैं वो सारे। वो सारे हैं वो यहाँ पर, बच्चों की सारी चीज़ें, बच्चों की बुक्स वगैरह और बच्चों की गेम्स वगैरह, पजल गेम, सारी पजल्स गेम है बच्चों के लिए, और बच्चों की स्टोरी बुक्स वगैरह, ये पजल गेम वगैरह हो गए, देखें सारी पजल्स गेम, रीडिंग बुक्स, ये सारी चीज़ें, मेमोरी गेम्स वगैरह जो होती हैं बच्चों को, मेमोरी गेम्स की ये सारी बुक्स वगैरह यहाँ पे पड़ी हैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी, मगर ज़्यादातर बच्चों के लिए, जो स्कूल में मैथमेटिक्स हो गई, फिज़िक्स हो गई, उसके बारे में।
ये देखें जग वगैरह, और यहाँ पर आपको बेड मिलेंगे, सोफा सेट मिलेंगे। ये जो क्रॉकरी का सामान है, ये जो डिज़ाइन वाले जर्मन लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा इंतहा से ज़्यादा ये लोग पसंद करते हैं। ये प्लेट्स वगैरह, ये पूरा सेट है वो 100 यूरो का, देख रहे हैं, ये कंप्लीट सेट है 100 यूरो का और ये आला क्वालिटी है। ये जो है कप वगैरह, ये सारा सेट 40 यूरो का। ये लेकिन डबल डबल बेड बॉक्स बेड है 200 यूरो का। ये सोफा हो गया 30 यूरो की। ये चेयर हो गई, सोफा चेयर टाइप का। €80 सेट हो गया। €50 के दो एसी सिम की, जो जिसको जर्मन में जैसल कहते हैं। इसकी कीमत 150 यूरो। लेदर की भी जो स्लीप्स हैं वो आपको 50 यूरो की। अभी देखिए मैं इस सोफे पर बैठा हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल सोफ़ा है, मगर ये ओल्ड टाइप का है, मतलब कि डिज़ाइन जो है वो बहुत पुरानी डिज़ाइन है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो बहुत ही पुरानी है, क्योंकि ओल्ड एज जो लोग हैं जर्मन लोग ये चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। आपको पता है जैसे मॉडर्न लोग हैं, जैसे यंग लोग, जो यंग पर्सन है वो ये चीज़ें डिज़ाइन जो हैं वो पसंद नहीं करते, तो ज़्यादातर ये चीज़ें हैं मतलब ओल्ड डिज़ाइन है, मगर फिर भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं और बहुत ही आला क्वालिटी के हैं। देखिए इनको, सोफ़ों को 10-10 साल हो गए, 5-5 साल हो गए, 6-6 साल हो गए, मगर आप देख रहे हैं फिर भी इनकी क्वालिटी ज़बरदस्त क्वालिटी है। तो मैं तो यहाँ पर आता हूँ कभी कभी सामान लेने के लिए, कुछ प्लेट्स वगैरह हो गई या बच्चों के लिए कुछ सामान, खिलौने वगैरह बहुत ही सस्ते मिलते हैं, बहुत ही चीप मिलते हैं। तो मैं भी आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप लोग भी यहाँ पर विज़िट करें, और पोज़दाम में है ये, और हर शहर में, मतलब कि आप जर्मनी के किसी भी शहर में रहते हो वहाँ पे आप देखें सोशल जो होगा उनकी एक मार्केट होगी, तो वहाँ पर आप जाएं, आपको हर चीज़ें सस्ती मिलेंगी जी।
एक और बात ऐड करता जाऊं कि अगर आप गवर्नमेंट से बेनिफिट ले रहे हैं तो आप वो जैसे पेपर लेकर आएंगे, मतलब कि वो आप इनको दिखाएंगे पेपर्स, तो उसमें क्या होगा कि ये सामान जो है वो आपको घर के अंदर तक पहुंचा के देंगे फ्री में, मतलब फ्री में उनको सिर्फ आप जो जो किलोमीटर के हिसाब से पैसे आपको, जैसे आप नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं तो उसके तकरीबन 50 से 100 यूरो लेते हैं, ये आपसे 20 यूरो लेंगे। 20 यूरो सिर्फ उसमें ये हो जाएगा कि उसमें डीजल और जो वर्कर होंगे जो उठाएंगे उनके लिए सिर्फ चाय के लिए पैसे, तो 20 यूरो से ज़्यादा आपसे नहीं लेंगे। नॉर्मल जो कॉस्ट है वो 100 से 150 यूरो सिर्फ पिक एंड ड्रॉप करने के, और साथ दो वर्कर दो मजदूरों के साथ, यहाँ पे मजदूर भी आएंगे फ्री में। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोग भी ना चाहते हैं तो एक्स फोटो की तरह बहुत सारे होंगे सोशल जो एनजीओस के ऑफिस वगैरह होंगे, एनजीओस के ऐसे जो मार्केट्स होंगी वहाँ पर आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको हर चीज़ सस्ती मिलेगी। और दूसरी बात ये कि ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए, ये स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है, जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं वो अपने लिए सामान खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सामान हर चीज़ प्लेट वगैरह हर चीज़ है ना, शुरू में आपको दिक्कत पड़ती है हर चीज़ नए लेने के लिए, तो यहाँ पर आप हर चीज़ ले सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिलेगा, आप अपनी सिर्फ जो स्टूडेंट आईडी कार्ड है वो शो कराना पड़ेगा, आपको यहाँ पे डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा, आप यहाँ से हर चीज़ सामान खरीद सकते हैं। जो स्टूडेंट्स जो आते हैं फैमिली के साथ आते हैं वो भी यहाँ पे हर चीज़ खरीद सकते हैं अपने फैमिली के लिए, समझो बेड वगैरह सोफ़ा वगैरह हर चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी। तो ये भी मैं बात ऐड करना चाह रहा था क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था तो मैंने भी इसी जगहों से सामान लिए थे, जो अपने मुझे देगची वगैरह प्लेट वगैरह चाहिए थी, उस टाइम मैंने लैपसिक से लिए था, लैपसिक में था तो वहाँ से मैंने लिए था, क्योंकि साइकिलें वगैरह भी हैं। झूले वगैरह सीट्स वगैरह हो गई, ये देखे मेरे बच्चे अभी फैमिली चीज़ें देख कर बिल्कुल ही, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की चीज़ें सारी पजल्स गेम वगैरह, तो बच्चे भी यहाँ पर 3D पजल्स भी हैं, जो 3D ये देखिए डिश वॉशर और वॉश मशीन वगैरह, खिलौने वगैरह,
जी आज की वीडियो यहाँ पर एंड होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक शेयर करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अगर किसी को कोई मालूमात कोई भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। थंबनेल पर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग भी सपोर्ट चाहिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।